नमस्कार, मैं सुमंगल सिंह जिला छत्तीसगढ़ से पुनः आप लोगों के बीच अपनी वैचारिक कविताओं को लेकर जनसरोकार मंच के इस लोकप्रिय पटल पर उपस्थित हुआ हूँ। कविताएं बोलती हैं के अंतर्गत मैं अपनी कुछ वैचारिक कविताएं आप इनके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है बस्तर के गांव। एक साड़ी में लिपटी उम्र दराज आदिवासी स्त्री के मुस्कान से, एक साड़ी में लिपटी उम्र दराज आदिवासी स्त्री के मुस्कान से जंगल भी हंसने लगता है। आदिवासी स्त्री के मुस्कान से जंगल भी हंसने लगता है। महुए से भरी टोकरी लेकर, महुए से भरी टोकरी लेकर आदिवासी युवतियां जब लौटती हैं अपने गांव की ओर, मौसम भी सौम्य हो जाता है। संध्या होते ही बच्चे स्त्रियां और बुजुर्ग लौटते हैं अपने गांव की ओर। जब लौटते हैं अपने गांव की ओर, कोयल भी गीत गाती है। सूरज के डूबने के साथ ही गाय बैल और बकरियां झुंड बनाकर लौटते हैं अपने गांव की ओर। सूरज के डूबने के साथ ही जब गाय बैल और बकरियां झुंड बनाकर लौटते हैं अपने गांव की ओर, उनके पैरों से निकली ध्वनि से, उनकी चिल्लाहट से, उनके पैरों से निकली ध्वनि से, उनकी चिल्लाहट से जंगल बस्तर की धरती खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्रकृति के गोद में बचे बसे हैं बस्तर के गांव। प्रकृति के गोद में बचे बसे हैं बस्तर के गांव। अगली कविता है स्कूल का बस्ता। घर की साफ सफाई करते समय वही पुराना स्कूल का बस्ता मिल गया। जिसे मैं कभी कंधे में लटका कर पाठशाला में ले जाया करता था। इस बस्ते से जुड़ी हुई थी बचपन की सैकड़ों स्मृतियां। जो फिर से ताजी हो गई। किंतु उस स्कूल के बस्ते का वर्तमान समय की धारा में बहते बहते जीर्ण हो गया था। किसी खंडहर की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था, प्रमाण प्रस्तुत कर रहा था अपने इतिहास का। माँ ने पुरानी अलमारी में रख दिया। मेरी अगली कविता है बुरे समय की कविता। इस बुरे समय में कविता लिखना गहरी नींद में भयावह सपन को देखकर अचानक उठ जाना, शेष रात्रि में आत्मसंघर्ष करना होता है सुबह की प्रतीक्षा में, व्यग्र हो जाना हो सकता है कवि के लिए। इस बुरे समय में कविता लिखना नौ सौंदर्य शास्त्र का राग अलापना
ना वो सौंदर्य शास्त्र का राग अलापना नए नए बिंबों का प्रयोग कर कविता को कलात्मक ऊंचाई पर ले जाना, कविता को कलात्मक ऊंचाई पर ले जाना, जमाई लेते हुए कविता लिखना हो सकता है कवि के लिए, जमाई लेते हुए कविता लिखना हो सकता है कवि के लिए। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कल्पना के पंख लगाकर उड़ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कल्पना के पंख लगाकर उड़ जाने का सवाल ही नहीं उठता। समय की भयावह धार से पलायन कर लेना घातक हो सकता है कवि के लिए। अपने समय के भयावह यथार्थ से पलायन कर लेना घातक हो सकता है कवि के लिए। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कबीर की तरह भरे बाजार में खड़े होकर सबको ललकारने होंगे। इस बुरे समय में कविता लिखते समय कबीर की तरह भरे बाजार में खड़े होकर सबको ललकारने होंगे, खरी खोटी सुनानी होगी, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, जन यथार्थ को जन जन तक पहुंचाने होंगे, इसी से बची रहेगी कविता और कविता का प्रयोजन, इसी से बची रहेगी कविता और कविता का प्रयोजन। मेरी अगली कविता है तुम्हारी माँ। जरा उन दिनों को भी याद कर लीजिए, जब तुम नवजात शिशु के रूप में थे। जरा उन दिनों को भी याद कर लीजिए जब आप नवजात शिशु के रूप में थे, रात में रोते थे, तब तुम्हारी ममतामयी माँ रात भर जगती थी, थपकियों से सहलाया करती थी। लोरी सुनाया करती थी तुम्हारे मंद मंद मुस्कान से असीम अलौकिक आनंद की अनुभूति करती। जब तुम्हें कभी हल्की सी खांसी आती थी तब तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो जाया करती थी। दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। किंतु जब तुम जैसे जैसे बड़े होते गए, बदलते गए, अब तुम तो गांव से शहर चले गए, भूलते ही गए अपनी ममतामयी माँ को। अब तो उसकी बूढ़ी आंखें तुम्हें देखना चाहती है, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है जीवनदायिनी माँ से मिलने के लिए। तुमने बड़ी ही बेरहमी के साथ बुला दिया अपनी माँ को। अब तो तुम्हारी माँ की बूढ़ी आंखें तुम्हें देखना चाहती है पल प्रतिपल, इच्छा करती है हो सके तो अपनी माँ से अवश्य मिल लेना मेरे दोस्त, एक बहुत ही ज्वलंत कविता
मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हमारे सब समाज के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी कलंक है कि आज हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता आज वृद्धाश्रम शरण में जा रहे हैं। इस तरह का संस्कार, इस तरह की संस्कृति निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। इन्हीं भावनाओं को लेकर ये कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सबका ध्यान चाहूंगा कि वृद्धाश्रम में माँ सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा होता है, इस दुनिया का सबसे अनमोल होता है माँ का सेम वास्तव्य। सागर से भी गहरा, आसमान से ऊंचा होता है, इस दुनिया का सबसे अनमोल होता है माँ का असीम वात्सल्य और ममता, जो तमाम उम्र गुजार देती है, जो तमाम उम्र गुजार देती है अपने बेटे और बेटियों की खुशियों के लिए, जो तमाम उम्र गुजार देती है अपने बेटे और बेटियों की खुशियों के लिए, जो तमाम उम्र गुजार देती है अपनी बेटे और बेटियों की खुशियों के लिए, माँ का नैसर्गिक प्रेम, माँ का नैसर्गिक प्रेम अलौकिक होता है। आय यह क्या हुआ आधुनिकता के भ्रम में फंस कर अपनी माँ को छोड़ आए वृद्धाश्रम में। हाय यह क्या हुआ आधुनिकता के भ्रम में फंस कर अपनी माँ को छोड़ आए वृद्धाश्रम में, उस जीवनदानी माँ को। किंतु अब तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम में अपने जीवन के अंतिम दिन गुजार रही है, अपने जीवन के अंतिम दिन गुजार रही है अपने नाती पोतों से, बहू बेटों से दूर होकर, अपने नाती पोते से बहू बेटे से दूर होकर हमारे सभ्य समाज की यही तथा कथित सच्चाई है। फिर भी माँ की ममता लेस मात्र भी कम नहीं हुई अपने ही घर से निष्कासित माँ वृद्धाश्रम में है, वृद्धाश्रम से ही अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात प्रार्थना करती है। हो सके तो अपनी बूढ़ी और असहाय माँ को घर ले आना मेरे दोस्त। अगली कविता है अधूरी कविता। इस कविता का शीर्षक है अधूरी कविता, क्योंकि आज के समकालीन कविता और समकालीन हिंदी कविता के ऊपर और जो कविता का विभिन्न स्वरूप है वो हम देख रहे हैं, उन सब पर एक कटाक्ष करते हुए कविता में आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सबका ध्यान चाहूंगा। एक अधूरी कविता, मेरी कविता पूर्ण नहीं हो सकी, रह गई एक अधूरी कविता। इसे व्यक्त करने के लिए शब्द मेरे पास इतने समर्थमान नहीं थे, इसे व्यक्त करने के लिए शायद मेरे पास उतने समर्थमान शब्द नहीं थे, मेरे भाव मुखरित नहीं हो सके। जिसे मैं दुनिया भर की वेदना को, मानवीय संवेदना को, अन्याय और शोषण को, इस तरह की तमाम विसंगतियों को व्यक्त कर सकूं, मेरे पास शब्द नहीं थे। जिसे मैं लिख सकूं एक पूर्ण कविता, किंतु रह गई एक अधूरी कविता। इसे पूर्ण करने की कामना लिए
इसे पूर्ण करने की कामना लिए मैं अश्वस्थामा सा छटपटाता रहा। मैं अश्वस्थामा सा छटपटाता रहा, मेरे दिलो दिमाग में उभर आए हैं गहरे घाव। मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, मैं अपने आप को धिक्कारता रहा, यहाँ तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस के सदृश, यहाँ तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस के सदृश। यहाँ तक कि मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस के सदृश एकांत स्थान में जाकर धन अवसाद के क्षणों से गिर गया। एक अधूरी कविता की पीड़ा को समेटते हुए कविता जो कभी, आप सबका ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों के लिए, कविता जो कभी राजमहलों में कैद हो गई थी, कविता जो कभी राजमहलों में कैद हो गई थी, फिर लौट आई थी सड़कों पर, किन फिर लौट गई मनोरंजन की दुनिया में, फिर लौट गई मनोरंजन की दुनिया में मंचों की ओर, जो सिर्फ लोगों को हंसा सके, जो सिर्फ लोगों को हंसा सके, गुदगुदा सके, कोलाहल और तालियों के शोरगुल में खो गई कविता, कोलाहल और तालियों के शोरगुल में खो गई कविता। अब विदूषक की भूमिका में रह गई कविता, अब विदूषक की भूमिका में रह गई कविता। कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में गिर गया, अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा। कविता की यह दशा देखकर मैं गहन अवसाद में गिर गया, अतृप्त आत्मा सा भटकता रहा एक अधूरी कविता को लेकर। अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए विवश होकर पराजित सैनिक की तरह आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः मैं अपने आप को संभालते हुए विवश होकर पराजित सैनिक की तरह आत्मसमर्पण कर दिया। सकारात्मक सोच के साथ भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य, भविष्य में कोई न कोई महाकवि अवश्य आएगा जो बेहोश पड़ी कविता को संजीवनी दे सके, उसके स्वाभिमान को फिर से वापस ला सके। किंतु रह गई मेरे दिलो दिमाग में एक अधूरी कविता का गहन अवसाद, किंतु रह गई मेरे दिलो दिमाग में एक अधूरी कविता का गहन अवसाद।